नमस्कार। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 7 महीने हो चुके हैं। इसी बीच यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। इसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ और कुछ लोगों के चोट लगने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे के करीब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि के स्वागत में आंदोलन स्थल के पास मौजूद थे। ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जा रहा था। इसी दौरान किसानों ने भी इस बात पर आपत्ति जताई और उन्हें काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने बताया कि हम अपने नेता का स्वागत कर रहे थे और टिकैत अपने साथियों के साथ आया। उनके हाथों में लोहे के डंडे वगैरह थे। उन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने करीब 70 से 80 गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। बीजेपी रणिता सिंह महानगर उपाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी नेता अमित वाल्मीकि जी के स्वागत में हम शांतिपूर्ण खड़े थे। उसी दौरान टिकैत के समर्थक हथियार लेकर आए और हमारी बहनों के साथ मारपीट की, जिससे कई महिलाएं चोटिल हो गई हैं। दूसरी ओर किसानों का आरोप है कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर पहुंच किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी किसान और उनके बीच मारपीट हुई। किसानों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता गाली गलौज कर रहे थे। किसानों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये घटना हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई इस घटना को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व किसान नेताओं को बदनाम करने की साजिश की है, वो खेल अब देश प्रदेश की जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला। ये भाजपा की हताशा का बेहतर स्वरूप है। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि IANS को बताया बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता डंडे लेकर आंदोलन स्थल पहुंचे थे, उसी दौरान किसान के बीच मारपीट हुई। हम पुलिस को इस घटना की शिकायत देंगे। हमारे ऊपर आक्रमण हो और हम शिकायत न दें, ऐसा कैसे हो सकता है। गाजियाबाद इंदिरापुरम के CEO अंशु जैन ने IANS को बताया कि बॉर्डर पर धरना पहले से ही चल रहा था। बीजेपी के एक नेता का काफिला आंदोलन स्थल से गुजरा। उन्हीं के स्वागत में कुछ कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। किसानों और उनके बीच ये विवाद हुआ, तब दो गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ हुई है।